सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईक्यू जेड सिक्स प्रो डिवाइस के अंदर आप जो है एप्लीकेशंस को हाइड कैसे करेंगे। गाइस, अगर आपको भी अपने होम स्क्रीन के जो एप्लीकेशन है उसको हाइड करना है, मींस कि आपको उसे छिपा के रखना, तो बिल्कुल ही आसानी से आप कर सकते हैं। चलो इसका डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे हमें अपने फोन के अंदर एप्लीकेशंस को हाइड करना है। वेल गाइस, एप्लीकेशंस को हाइड करने के लिए सबसे पहले ओपन करेंगे अपने फोन सेटिंग्स को। हालांकि सेटिंग्स को हमने ऑलरेडी ओपन करा हुआ है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, एक सेटिंग्स मिलेगी सिक्योरिटी का, आप इसको प्रेस करेंगे एंड इस तरह से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। स्क्रॉल करेंगे अगेन नीचे, एक ऑप्शन यहां पर और आपको देखने को मिलता है प्राइवेसी एंड ऐप इनक्रिप्शन, जस्ट हमें क्लिक करना है। जहां पर आपको देखेंगे पहले डैशबोर्ड पर आपको 6 डिजिट का पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा, लाइक आपको 6 नंबर का यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको पैटर्न, अल्फा नंबरिंग और 4 डिजिट जैसे पासवर्ड यूज करने हैं तो एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा पासवर्ड ऑप्शन करके, इसको प्रेस करेंगे तो ये तीनों ऑप्शंस आ जाएंगे। अल्फा नंबरिंग जिनको नहीं पता है, इसमें एज अ नाम को अपने पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो, लाइक एबीसीडी के जो टेक्सेस होते हैं ना उस वर्ड में कोई पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, और 4 डिजिट आप पिन बना सकते हैं 4 अंकों का। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है पैटर्न का, मोस्ट ऑफ केसेस में पैटर्न काफी लोग एक्सेस करते हैं एंड मैं पैटर्न ही यूज करूंगा। पैटर्न पे हमने क्लिक करा, जो भी पासवर्ड का ऑप्शन आप चूज करें उसको 2 बार सेम पासवर्ड को रिपीट करना होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बार पासवर्ड डाला पैटर्न वाला, उसी पैटर्न को हम दोबारा बनाएंगे। तो हमारे पास इस तरह से सेट सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा, एक तरीके से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पासवर्ड होता है। अगर हम अपने पासवर्ड को भूल जाते हैं और उसे मुझे फॉरगेट करना हुआ तो इस वाले क्वेश्चन आंसर वाले पासवर्ड से हम उसे आसानी से फॉरगेट कर सकते हैं। इसमें आप रैंडमली कुछ भी टेक्स्ट टाइप करेंगे वो एक्सेप्टेड होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं अपने नाम का फर्स्ट और लास्ट टाइप करूंगा और इसको हम डन कर देंगे तो ये एक्सेप्टेड हो चुका है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं ताकि कोई और फॉरगेट करके एक्सेस ना कर सके। इसके बाद यहां पर देखेंगे तो ऐप हाइडिंग का एक ऑप्शन है, इसको प्रेस करेंगे। अब यहां पर आपको 2 फिंगर वाला भी एक ऑप्शन दिया जाता है, 2 फिंगर को स्वाइप अप करके आप आसानी से अपने हिडन एप्लीकेशन को देख सकते हैं। उसके लिए आप इसको टर्न ऑन करेंगे एंड यहां पर अब अपने पास सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे, देख सकते हो। जिन भी एप्लीकेशन को आपको हाइड करना है, लाइक दैट मैं यहां से शुरू करता हूं, कहीं से भी हाइड कर सकते हो। इसको ऑन करेंगे, एक रिमाइंडर बॉक्स आएगा, इसको रिमाइंड पे क्लिक करना, नेवर रिमाइंड पे, इसके बाद ओके कर देंगे। अब जितनी मर्जी एप्लीकेशन को हाइड करते जाइए कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा और आसानी से ये सभी एप्लीकेशन हाइड होते जाएंगे। वापस बैक आएंगे, जो एप्लीकेशन हमने हाइड करी है उसे देखने के लिए व्यू हिडन एप्स का ऑप्शन है, इसको प्रेस करके यहां से आसानी से अपने हाइड एप्लीकेशन को देख सकते हैं। किसी भी ऐप पे हम क्लिक करेंगे और आसानी से उसे हम एक्सेस भी कर सकते हैं। बट गाइस, 2 फिंगर से अगर यूज करना तो अपने होम स्क्रीन पे आइए, 2 फिंगर को इस तरीके से कुछ स्वाइप अप कर देना है, पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा, अपने ऐप हाइड का जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको एंटर करेंगे और यहां से भी आप आसानी से हिडन एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। तो ये है बिल्कुल आसान तरीका। एक तरीका और है आई मैनेजर ऐप, उसमें जाके भी आप आसानी से ऐप इनक्रिप्शन पे जाके वहां से भी एक्सेस कर सकते हो प्रॉपर सेटिंग्स को, और आसानी से एप्लीकेशन लॉक करना हो या हाइड करना हो आप आई मैनेजर ऐप से भी आसानी से यूज कर पाएंगे। आई थिंक गाइस समझे होंगे कैसे एप्लीकेशन को हाइड करना है। एंड गाइस, फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन नीचे है, आप में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, हैंडल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।